हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए जीएस की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों कराऊंगा। दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले दोस्तों हम 5 पार्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर करा चुके हैं। दोस्तों हमने सामान्य विज्ञान की एक श्रृंखला ली है जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन को हम कराएंगे जो दोस्तों आपके गत वर्षों में बार बार पूछे गए दोस्तों और जिनके बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आप सभी पार्टों को लगातार तैयार करते जाएंगे दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बेहतर तैयारी यहाँ पर हो पाएगी। अब देखिए दोस्तों हम शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों को। और दोस्तों यहाँ पर देखिए शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर रोज ही मिलती है इंडियन आर्मी के आधार पर दोस्तों नए नए वीडियोज और नए नए एग्जाम के आधार पर अपडेट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हृदय गति मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा डॉक्टर एक इस्तेमाल करता है दोस्तों यंत्र का जिसको कान में डाल करके छाती में लगाता है, तो उस यंत्र का आपको नाम बताना है क्या है दोस्तों, पारा है या स्टेथोस्कोप है या रक्तमापी है या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका दोस्तों स्टेथोस्कोप कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको पारा पता होगा जो बुखार नापने के लिए दोस्तों आपका फीवर देखने के लिए चेक करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जिसके अंदर मर्क्यूरी अर्थात पारा दोस्तों आपका होता है जो दोस्तों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। और दोस्तों एक इन्हीं में क्वेश्चन आता है, एक सामान्य मनुष्य की दोस्तों हृदय गति कितनी होती है, वो आपकी दोस्तों 72 टाइम्स पर मिनट होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं रोगों से लड़ने के लिए मदद करती हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे रक्त में दोस्तों 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, जो दोस्तों आपकी श्वेत होती हैं, लाल होती हैं और प्लाज्मा होती हैं दोस्तों। अब देखिए इनमें आपकी कौन सी वाली लड़ती हैं रोगों से, ये आपको बताना है, लाल रक्त कणिकाएं या श्वेत या फिर प्लाज्मा या फिर कोई नहीं। दोस्तों इनमें आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं दोस्तों लड़ती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब कहीं घाव होता है तो वहां पर से मवाद निकलने लगता है, मवाद दोस्तों जो आपका सफेद होता है, तो जो वो सफेद कणिकाएं होती है दोस्तों वो आपकी यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाएं ही होती हैं जो आपकी डेथ होके मर के दोस्तों बाहर निकलती हैं। और प्लाज्मा यहाँ पर देखिए रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। और एक क्वेश्चन इनमें आता है दोस्तों, आपका रक्त का रंग लाल क्यों होता है, वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या है। दोस्तों आपका सीएनजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्प्रेस्ड नेचर गैस। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर इसका मुख्य संघटक क्या है, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसका मुख्य संगठन यहाँ पर होता है मेथेन से, अर्थात दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, CH4 आपका मेथेन का फॉर्मूला होता है। और ब्यूटेन दोस्तों आपका, ब्यूटेन यहाँ पर मुख्य संगठन होता है एलपीजी का, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कभी ये आपका क्वेश्चन आएगा ये भी आप तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैंडेला किसका मात्रक है, अर्थात किसकी इकाई है आपको बताना है, ये विद्युत की या दूरी की या ज्योति तीव्रता की या फिर ध्वनि की। दोस्तों कैंडेला यहाँ पर आपकी ज्योति तीव्रता की इकाई है दोस्तों, और विद्युत की इकाई आपको पता होगा एम्पियर होती है, और दूरी की दोस्तों आपकी किलोमीटर, मीटर या फिर दोस्तों आपका प्रकाश वर्ष या फिर आपका पारसेक, तो ये सभी दूरी की मात्रक यहाँ पर है। ध्वनि का मात्रक आपको पता होगा डेसिबल आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माचिस की तीली में मसाले में कौन सा पदार्थ यहाँ पर लगा रहता है आपको बताना है, लाल फास्फोरस या आयोडीन या ग्रेफाइट या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए माचिस की तीली के आपने सामने देखा होगा दोस्तों यहाँ पर जो बारूद बना होता है वो आपका यहाँ पर लाल फास्फोरस आपका होता है। दोस्तों लाल फास्फोरस में दोस्तों गंधक मिलाई जाती है, आपका यहाँ पर कभी आएगा यदि गंधक भी आपका आएगा तो वो भी आपका सही है, गंधक और दोस्तों दोनों को मिला करके यहाँ पर वो आपका बनता है, मसाला बनता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। और ग्रेफाइट दोस्तों आपने देखा होगा पेंसिल को, पेंसिल में दोस्तों आपका ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। दोस्तों पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, जड़, पत्तियां, तना या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर पत्तियों के द्वारा होता है, आपको पता होगा पत्तियों में रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिनसे दोस्तों श्वसन क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये अपकेंद्रण या आर्किमिडीज का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर अपकेंद्रण पर दोस्तों कार्य करती है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों आपको पता होगा जब कोई आदमी तैरता है या फिर आपकी नौका तैरती है तो वहां पर दोस्तों आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। इनके अनुसार दोस्तों कोई भी तैरती हुई वस्तु जितना भी पानी हटाती है वो उसके आंशिक भाग से डूबे हुए भाग के बाहर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्यूज तार किससे बना होता है। दोस्तों आपको फ्यूज तार के बारे में पता होगा जो आपका सर्किटों में यहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों सर्किटों की सुरक्षा के लिए, यह आपका टिन और तांबे का या तांबा और जस्ते का या टिन और जस्ते का या फिर कोई नहीं। दोस्तों यह आपका यहाँ पर टिन और दोस्तों तांबे का बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और आपको पता होगा दोस्तों तांबे और जस्ते का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, आपका पीतल बनाने में, कभी आपका पीतल बनाने का भी आता है, पीतल काहे का मिश्रण होता है, तो ये मिश्रण भी आपको पता होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव चलित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों यहां पर द्रव से चलने वाली मतलब द्रव चलित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, संवेग संरक्षण के या पास्कल के सिद्धांत पर या घर्षण के सिद्धांत पर या फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। दोस्तों ये आपकी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और संवेग संरक्षण पर दोस्तों आपकी रॉकेट ऊपर को उड़ती है तो वो आपके यहां पर संवेग संरक्षण पर या फिर आप कहें गति के तृतीय नियम पर न्यूटन के कार्य करती है। और दोस्तों यहां पर गति के तृतीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम या जड़त्व का नियम या ऊष्मा का नियम या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहां पर हमने अभी पढ़ा था तृतीय नियम आपका संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, लेकिन दोस्तों यहां पर पूछा गया आपको प्रथम नियम, ये दोस्तों आपका जड़त्व का नियम कहलाता है, तो आप इनको अवश्य याद रख लेंगे क्योंकि दोस्तों कभी आपका यहां पर इन नामों से भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए। दोस्तों यहां पर तरीका मतलब किसके कारण होता है। दोस्तों ये जल के कारण या वायु के कारण या वस्त्रों के कारण या फिर भोजन के कारण। दोस्तों ये आपका यहां पर जल के कारण होता है, जल जनित रोग आपका टाइफाइड है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और आपको पता होगा हैजा भी दोस्तों जल के कारण और दोस्तों भोजन के कारण ही होता है, तो ये भी आपका बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाश्चीकरण अर्थात पॉस्चराइजेशन में दूध को कितना गर्म किया जाता है। दोस्तों आपको पाश्चीकरण का मतलब पता होगा, ये क्रिया होती है दोस्तों एक जिसका इस्तेमाल यहां पर दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। यह आपका कितना गर्म किया जाता है आपको बताना है, 70 डिग्री तक या 100 डिग्री तक या 50 डिग्री तक या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसमें यहां पर 70 डिग्री तक दूध को पहले गर्म किया जाता है और दोस्तों तुरंत ही ठंडा कर दिया जाता है और फिर बाद में इनका संग्रह किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, जैविक नाइट्रोजन स्थिरी कारक का नाम लिखिए। दोस्तों स्थिरी कारक मतलब जो जैविक नाइट्रोजन को स्थिर करता है मतलब रोकता है, उनका नाम यहां पर आपको बताना है। दोस्तों ये आपका राइजोबियम जीवाणु या लैक्टोबेसिलस जीवाणु या नील हरित शैवाल या ए और सी दोनों। दोस्तों यहां पर देखिए आपका ए और सी दोनों ही हो जाएंगे। राइजोबियम दोस्तों एक आपका जीवाणु का नाम है और नील हरित शैवाल भी आपका एक दोस्तों यहां पर शैवाल है। देखिए दोस्तों इनका यहां पर पेड़ों में आपका होता है, पौधों में होता है। दोस्तों ये जैविक नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं, आपने देखा होगा पेड़ों की पौधों की दोस्तों जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, तो उन गांठों के अंदर दोस्तों आपका राइजोबियम जीवाणु ही आपका होता है और हरित शैवाल भी आपका दोस्तों नाइट्रोजन को यहां पर स्थिर करता है पौधों में, तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों बहुत ही बार क्वेश्चन आपका पूछा था ये पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये आपका दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या जेम्स वाट ने या एडिसन ने या ग्राहम बेल ने। दोस्तों ये आपका यहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। जेम्स वाट का आपको पता होगा दोस्तों भाप के इंजन की खोज की थी, एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, ग्राहम बेल ने मोबाइल की। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, एंटीबायोटिक किनकी वृद्धि रोकती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर है, एंटीबायोटिक दोस्तों विषाणु की या जीवाणु की या कवक की या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपके यहां पर देखिए जीवाणु की अर्थात दोस्तों बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है दोस्तों। और यहां पर देखिए कभी क्वेश्चन आपका आता है कि जुकाम और दोस्तों स्वाइन फ्लू में आपकी एंटीबायोटिक क्यों कार्य नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों वो आपकी केवल जीवाणुओं को रोकती है, लेकिन जुकाम दोस्तों या फिर आप कहें स्वाइन फ्लू विषाणु के कारण होता है, तो इसलिए दोस्तों उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लगे दोस्तों इनको जरूर यहां पर शेयर कीजिएगा दोस्तों और यहां पर लाइक कीजिएगा। अब हम मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियोस में नए क्वेश्चन के साथ, इस तरह लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ओके थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।